हमने माना कि हमसे सिलेक्शन गलत हुई, वहाब रियाज को बैठा बाहर बैठाना ठीक नहीं था, हैदर अली को ठीक बाहर बैठाना ठीक नहीं था। आज यंगस्टर ने डेब्यू के ऊपर 50 किया और जबरदस्त 50 किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेयर यूट्यूब चैनल। आज मैच देखा पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। बार बार कहता रहता हूं कि यंगस्टर खिलाओ और अच्छे वाले यंगस्टर खिलाओ। हैदर अली को खिलाया, रिजल्ट क्या आया आपके पास? बेहतरीन रिजल्ट दिया उसने, उसने 50 करके दिया। क्यों आप गलत सिलेक्शन करते हो? क्यों आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हो? इट्स ओके टू मेक अ रॉन्ग चॉइसेस, बट द वे पाकिस्तान लर्नड, ये बड़ी अच्छी बात थी पाकिस्तान की। हमने माना कि हमसे सिलेक्शन गलत हुई, वहाब रियाज को बाहर बैठाना ठीक नहीं था, हैदर अली को ठीक बाहर बैठाना ठीक नहीं था। आज यंगस्टर ने डेब्यू के ऊपर 50 किया और जबरदस्त 50 किया। तो अगेन मैं यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा जोर लगाया करो सिलेक्शन के ऊपर। टुडे द सिलेक्शन एक्चुअली वॉन अस द गेम। अगेन हफीज ने अपने प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के सामने आई है। 15-20 साल उस पर इन्वेस्ट हुए हैं, आज भी उस पर प्रेशर डाला गया है मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू, वो परफॉर्म करके दे रहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ओल्ड एज में जाते हो, जब आप करियर आपका एंड पे होता है, तो आप पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। हफीज हैज प्रूव्ड इट, बट व्हाट अबाउट शोएब मलिक? वो क्या उसकी सिलेक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अगर खुशदिल नहीं खेलता और मलिक खेल रहे हैं तो वाई इज ही प्लेइंग? अगर मलिक खेल रहा है तो वाई इज नॉट बॉलिंग? वाई इज नॉट बैटिंग ऑन द टॉप नंबर्स? तो हफीज अपना परफॉर्म करके निकल रहा है, लेकिन शोएब मलिक वहीं पे ही है। तो उनकी सिलेक्शन पे थोड़ा सा बहुत सवाल उठते थे, लेकिन अगेन इज अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव प्लेयर शोएब मलिक, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। लेकिन उन पर प्रेशर बड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको परफॉर्म करना है और इस एज में आके ज्यादा परफॉर्म करना है। तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और उनको अपनी एवरी मैच, एवरी सीरीज में हर दिन उनको प्रूव करना है कि वो जस्टिफाई करे अपनी जगह टीम में, एज फार एज शोएब मलिक इज कंसर्न। अगेन आप बॉलिंग पे आ जाएं, शाइन चाहे बहुत अच्छे रहे, नए बॉल पे बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगेन उनको ये समझना पड़ेगा, जहां पे विकेटें आसान होती है वहां पे आप मिक्स एंड मैच के साथ बॉलिंग करते हो, स्लोअर वन के साथ करते हो, स्लो बाउंसर के साथ करते हो, उड़ता हुआ स्लोअर बॉल करते हो, आप नपी तुले यॉर्कर्स करते हो जो आपकी बैट्समैन को रीच में नहीं होते। तो अगेन लर्निंग कर्व है, लेकिन लर्निंग कर्व ठीक है, होता है, लेकिन एक मैचेस में, दो मैचेस में रिपीटेडली आप मार नहीं खाते हो। तो ये शाहीन शाह को सोचना पड़ेगा। हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, अगेन विकेट बहुत आसान था, शादाब को मार पड़ी, 3 छक्के पड़े मोइन अली से। ओके दैट्स फाइन, ये T20 क्रिकेट है, इसमें मार पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान हैज आज अगर पाकिस्तान देखें, बाबर आजम कप्तानी देखें, तो आज बहुत सारे लड़कों को कहा गया स्टे अवे फ्रॉम हिम, उसको कप्तानी करने दो। आज वो चीखें भी मार रहा था, गुस्सा भी कर रहा था। ये होता है प्रेशर, इस प्रेशर को वो अब्जॉर्ब करेगा, गलतियां करेगा, उससे बेहतर होगा, बेहतर से बेहतरीन कप्तान बनता जाएगा। ये ही हम बार बार कह रहे थे कि बाबर आजम को सीखने दिया जाए, खुद सीखे वो कप्तानी, खुद ये प्रेशर बर्दाश्त करे, मीडिया का भी, बॉलिंग का भी, मैचेस का भी, स्ट्राइक रेट का भी। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का मसला है, वो उसको हल करना पड़ना है स्ट्राइक रेट के ऊपर। अगेन जब वो अब बैटिंग करने आ रहा है तो उसको हमें 150 अबव स्ट्राइक रेट चाहिए बाबर आजम का। लेकिन बट एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न, अब पहला मुझे नजर आया कि वो गलत बॉलिंग जहां पे हो रही है वो बॉलर से बात कर रहे हैं। आज बॉलर्स कप्तान के साथ बात कर रहे थे, कप्तान बॉलर्स के साथ बात कर रहा था। यही कॉम्बिनेशन चाहिए जब आप बड़े क्रिकेटर बनते हो या जब आप बेहतर कप्तान बनते हो, तो बॉलर्स आपको बैक करते हैं और कप्तान आपको बैक इसलिए करते हैं कि आपको विकेट चाहिए होती है। आज पाकिस्तान विकेट लेने गया, विकेट ली। अगेन वी कम बैक टू वहाब रियाज। वहाब रियाज अगर इज इन द स्क्वाड ही हैज टू प्ले, ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है समझने के लिए यार, कि आपको वहाब रियाज लेके हो तो आपको खिलाना है। वो एक्सपीरियंस्ड है, तेज बॉलिंग करता है, फिट है, बाल भी अच्छे लग रहे हैं उसके, तो अब उसको खिलाना पड़ेगा आपको। तो वहाब रियाज ने अपना दिखा दिया, उसने अगेन दिखा दिया कि वो बहुत ही कारामद क्रिकेटर है, वो बैट के साथ भी है, बॉल के साथ भी है। और अगेन
मैंने पहले भी कहा था, मेरी स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी, कि हैदर अली एट पार आता है और इवन बेटर इन वाइट बॉल क्रिकेट देन बाबर आजम, क्योंकि उसके पास टैलेंट है। आज आपने सही टैलेंट को बैक किया, उस टैलेंट ने आपको करके दिखाया, जिसका नाम हैदर अली है। और अगेन मैं बार बार यही एम्फसाइज करूंगा कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम का जो रूट टू सिलेक्शन है वो ठीक होना चाहिए। और यही एटीट्यूड पाकिस्तान का, पाकिस्तान को सूट भी करता है कि जहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दबाव डाल रहे होते हैं, जहाँ पर प्रेशर ले रहे होते हैं। हम इंग्लिश क्रिकेटर्स तो हैं नहीं, हम सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर्स हैं। हमारा लड़ाई झगड़ा हमारा जायज़ बनता है, हमारी बॉलिंग फर्क है एंडरसन से या ब्रॉड से। सो आई थिंक इट वॉज ग्रेट एफर्ट बाई वहाँ प्लेयर्स, ग्रेट एफर्ट बाई द बॉलर्स। हारिस वॉज एक्सीलेंट अगेन। मुझे पता था कि वो एक आधी गलती करते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दी सीख भी जाते हैं। 90 माइल्स एन आवर बॉलिंग करते हैं, सो इज वेरी वेरी की फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। बट वेल डन वहाँ प्लेयर्स एंड वेरी वेल डन हैदर अली, यू डन अ मार्वलस जॉब एंड यू आर अ फ्यूचर स्टार। हमें इस किस्म के स्टार्स बिल्ड करने हैं, हमें 15 का 15 स्क्वाड स्टार्स चाहिए, स्टार्स जो प्रेशर को अब्सॉर्ब करें, जो आके खेलें, जो आके आपको आके बड़ा करके दें। सो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो ना, सही सिलेक्शंस करते हो, सही बच्चों को आगे लाते हो, दिस इज व्हाट हैपेंस। ऑन डेब्यू 50, वेल डन हैदर अली, वेल डन पाकिस्तान टीम, दिस इज द एटीट्यूड वी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। और आज बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के थोड़े से कलर्स 90s वाले नजर आए, वेल डन। और टेस्ट सीरीज, अगर पहले टेस्ट मैच जीता होता पाकिस्तान, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी जीता होता, और पाकिस्तान अगर गलती ना करता T20s में, तो आज शायद पाकिस्तान T20 में जीता होता। सो थोड़ी सी गलतियाँ, माइनर गलतियाँ, बट इट्स ओके। बट यू हैव अ चांस, एवरी मॉर्निंग यू हैव अ चांस आइदर टू इवॉल्व और टू रिपीट, बट डोंट रिपीट, गेट इवॉल्व। वेल डन पाकिस्तान अगेन, टेक केयर। दिस इज शुएब अता यूट्यूब चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। पिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। Look guys, I'm the first person who criticized, I'm the first person who actually try to say the logical things, aur aap logon ko pasand aati hai ki main bluntly baat karta hu aur koshish karta hu logical baat karne ki, lekin jo ek banda jo injured nahi hota tha, jisko 24 ghante injury rehti thi, poocho kaun, main to samajh gaya. oh yaar, oye main kya hua yaar, main nikal nikla hai, main ke teri pace 120 hai, tera nikal kaise nikal sakta hai azhar mahmood। पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपके सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है, और मैंने कहा था ना आपसे फैंटा लग जाएगा।